किसी में क्या बोल रहा है कि स्पीयर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस के पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स द एक्सिस एट ए बी सी एंड फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. लेट सपोज ये अपनी क्या है एक्स थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कोई एक स्पीयर है वो किस से पास कर रहा है एक तीन पॉइंट है ए बी और सी. इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है ये एक्स वाई और जेड और इसके सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी निकालना. तो ये एबीसी क्या होगा इन तीनों को मिलाएंगे तो ट्रायंगल क्या बनेगा एबीसी बन जाएगा. इसके निर्देशांक हो गए ए कोमा जीरो कोमा जीरो. इसके निर्देशांक जीरो कोमा बी कोमा जीरो. इसके निर्देशांक क्या हो गए जीरो कोमा जीरो कोमा सी. इसके निर्देशांक हो गए यहाँ पे. और देखो सेंट्रोइड है सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं. मान लो जी एच एफ मान लो सेंट्रोइड के निर्देशांक है तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री जी एच वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई थ्री हो जाएगा. एच और एफ क्या हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री वाई थ्री. ये इसके जी एच एफ तीनों इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये. ठीक है अब बात करते हैं कि क्या है पासिस थ्रू द ओरिजिन. जब पास थ्रू द ओरिजिन तो क्या डी क्या हो जाएगा इसकी जीरो हो जाएगा. जब व्हेन इट पासिस थ्रू द ओरिजिन डी क्या हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा. ठीक है और इसकी कॉन्स्टेंट रेडियस के है और तीन पॉइंट इनसे गुजर रहा है. तो एक तो देखिए ए कोमा जीरो कोमा जीरो से पास करेगा. इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो. अब इससे पास कर रहा है तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू यू ए प्लस बाकी सब जीरो प्लस डी भी जीरो इक्वल टू क्या जाएगा जीरो. एक पॉइंट ए ही है. ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं या फिर इसको वन ले सकते हैं अपन. नेक्स्ट है बी जीरो बी और जीरो. तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू टू बी वी या टू वी इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट जीरो कोमा जीरो कोमा सी से पास कर रहे हैं तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस टू सी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो. तो ये देखो ये तीन चीजें आ गई है अपने पास. नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी बात करते हैं रेडियस की. रेडियस क्या है कॉन्स्टेंट रेडियस क्या है रेडियस क्या है इसकी कॉन्स्टेंट है. तो कॉन्स्टेंट रेडियस मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. ये तो रेडियस का जनरल फॉर्मूला है. ठीक है ये बात कर ली अपने. डी इसका क्या है जीरो है. यू वी डब्ल्यू वो भी अपने की बात देखनी है. ये तो क्या हो गया कॉन्स्टेंट रेडियस की है तो के स्क्वायर हो गया. ये के स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जीरो. ये ठीक है और ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट रेडियस. अब अपने पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है. एनी हाउ अपने पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आनी चाहिए. तो देखिए अगर मान लेते हैं ये समसंग हर जगह वन वन पे काट रहा है तो भी अपन देख सकते हैं. चलो यहां से अपन एक रिजल्ट निकालते हैं यू का. तो यू का रिजल्ट क्या आएगा अपन अगर ए स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि ए ए बाई टू इसका सॉरी माइनस ए बाई टू यहां से रिजल्ट आएगा क्योंकि टू यू ए इधर रखेंगे माइनस का ए स्क्वायर इधर आएगा एक ए से कैंसिल कर देंगे तो माइनस u बाई टू आ जाएगा. यहां से v का रिजल्ट क्या आएगा माइनस b बाई टू और w का रिजल्ट क्या आएगा माइनस c बाई टू. तो इधर देख लीजिए इन तीनों का रिजल्ट माइनस a बाई टू माइनस b बाई टू माइनस c बाई टू तीनों से आ जाएगा. तो यहां देखिए आगे मैं यहां पे इसी में पुटअप कर देता हूं इसको इनकी वैल्यू. चलो यहां कर देते हैं k स्क्वायर वैल्यू तो पुट कर दी ना ये तो. चलो ये देख लेते हैं. तो माइनस ए बाई टू का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर बाई फोर और माइनस क्या है जीरो. ठीक है गाइस सॉरी फोर फोर. और देखिए यहां पे अगर मैं स्क्वायर रख रहा हूं तो ये अंडर रूट यहां पे नहीं आएगा क्योंकि मैं स्क्वायर इधर ही रख रहा हूं तो यहां पे अंडर रूट नहीं आएगा. थोड़ी मिस्टेक हो गई आई एम सॉरी. तो यहां पे ये स्क्वायर यहां पे नहीं आएगा. तो देखिए तो यहां पे ये क्या आ गया अपन मैं वन मान लेता हूं इधर तो ये क्या रिजल्ट है के बाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर बाई फोर, तो फोर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है फोर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ से एक रिजल्ट आया। अब ए बी स्क्वायर को अपने को थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। ये तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया, यहाँ से क्या रेडियस का रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए अगर अपन सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंट्रोइड देखो जी का फॉर्मूला क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, तो जी यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो जी का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बाई थ्री, तो यहाँ तो ए है बाकी सारे क्या है जीरो, एक्स टू जीरो, देखिए एक्स टू जीरो एक्स थ्री भी जीरो, तो ये क्या आ गया ए बाई थ्री है ना। जी एच एच एफ एफ का एच, तो एच की यहाँ पे क्या होगा वाई वन प्लस वाई टू बाई थ्री, तो वन टू थ्री, तो वाई टू क्या है बी, तो ये क्या आ गया बी बाई थ्री जी एच, और एफ क्या आएगा जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो ये क्या आ गया सी बाई थ्री, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ए की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूँ ए इज इक्वल टू थ्री जी, बी इक्वल टू थ्री एच और सी इक्वल टू थ्री एफ। अब देखिए बुक में इसको इसको एक्स वाई जेड ले लिया है ना, तो देखिए और एक बार देखो मैंने इसको एक्स इसको वाई और इसको जेड लिया, तो यहाँ पे ये थ्री जी थ्री एच क्या होगा थ्री एक्स, एक बार देख लेना यहाँ पे ये हो जाएगा थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड, क्योंकि मैंने जी एच एफ ले लिया है, यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड भी ले सकते हैं वरना आंसर में थोड़ा सा वेरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो एबीसी इज इक्वल टू क्या है थ्री जी थ्री एच या थ्री एफ या थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर थ्री जेड स्क्वायर, तो फोर के स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या थ्री जी, तो ये क्या आएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा, तो फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो अपने इसने क्या पूछा था कि लोकस ऑफ द सेंट्रोइड, इसने पूछा था ना, तो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड क्या होता है फोर के स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जो लोकस की जो सारी वैल्यू थी वो अपन ने यहाँ की क्या लिख दी इसके अंदर यहाँ पे अपन ने लिख दी है, और इसकी इन वैल्यूज को अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो ए की वैल्यू यहाँ की ए की वैल्यू अपने पास थ्री जी आई है ना, ये तो अपन यहाँ पे पुटअप कर दी। अब देखो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड मतलब कि सेंट्रोइड के पॉइंट अपन यहाँ कहाँ यूज कर ले, इस इक्वेशन के अंदर यूज कर लेंगे, वो भी देखो यूज कर लेंगे। मैं इसको स्ट्राइक आउट करने जा रहा हूँ पूरे को मैटर को, देखिए यहां से मैं इसको स्ट्राइक आउट कर देता हूँ पूरे को और केवल एबीसी की वैल्यू रख देता हूँ यू वी डब्ल्यू की, ये लो इसको मैं स्ट्राइक आउट कर दिया। देखिए यू की वैल्यू ए बाई टू, वी की वैल्यू माइनस बी बाई टू, इसकी माइनस सी बाई टू, तो देखो ए की वैल्यू अपने पास है थ्री बाई टू, तो इसको अपन इसमें भी पुट कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो टू यू एक्स, यू की वैल्यू माइनस ए बाई टू है, तो यहाँ पे देखो ए बाई टू ए की वैल्यू क्या है थ्री एक्स बाई टू, तो यहाँ पे मैंने लिख सकते यहाँ पे क्या आएगा थ्री एक्स बाई टू, ठीक है, और ये क्या आएगा माइनस थ्री वाई बाई टू, और ये आएगा माइनस थ्री जेड बाई टू। तो देखो यू वी डब्ल्यू की जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, तो यू की वैल्यू माइनस थ्री एक्स बाई टू, तो माइनस थ्री एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री वाई बाई टू इंटू वाई माइनस टू थ्री जेड बाई टू इंटू जेड प्लस डी एस सेंटर जीरो से, तो इससे क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा, सब मैं बाहर माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर थ्री जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस, ये टू मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया है, तो वो नीचे वाला टू तो उधर चला जाएगा और ये टू इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस प्लस थ्री जेड स्क्वायर, तो ये सब क्या है माइनस में है, तो इसका ये आ जाएगा लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो भी की किसके माइनस के इक्वल टू जीरो, क्यों आएंगे क्योंकि ये तीनों क्या है नेगेटिव में, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव के कैंसिल होता चला जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी यहां से अपने को मिल जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ये इसका क्या हो गया लोकस हो गया।
वैसे ये क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, तो ये और थे कुछ क्वेरीज की, और कुछ वीडियो थोड़ी लेंथ ज्यादा हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में और आगे सारे क्वेश्चंस के 3D के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा मैं, और ना हो सका तो देखो मैं सोच रहा हूँ कि एक PDF बना लूं और PDF में सारे क्वेश्चन पुट अप करके आपको एक, मेरे को मेल के थ्रू आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा। उसका आपको नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत वो आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हो, और जो PDF फाइल है उसके बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं 20-30 रुपीज या फिर 30-40 रुपीज इतने में आएंगे, या तो 20 या 30 के बीच में ही उसकी प्राइस आएगी, वो हम डिसाइड करेंगे कितनी है, और उसके लिए एक प्रोसीजर है, आप पेटीएम किसी के थ्रू में उसके लिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। 20-30 रुपीज को एक ज्यादा वैल्यू उसकी वो नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है, सारे काम इसके अंदर वो होते हैं, तो इतने मैं देखता हूँ कि इतना कोई ज्यादा वो वैल्यू नहीं है। तो आप मैं बोल दूंगा जो एक मेरे साथ एक और बंदा मेरा ब्रदर ही है सौरभ, तो उससे कि एक मेल है मेल आईडी के थ्रू आप पहले पेमेंट कर दीजिए पेटीएम की, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल कर दीजिए, तो हम आपको एक PDF आपके अकाउंट में या फिर आपके मेल के थ्रू हम आपको वो PDF भी आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सारे आपके 3D क्वेश्चन होंगे, तो आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन अपने देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना था सेशन, और ये गाइस यहाँ पे एंड होता है अपने क्वेश्चंस, तो बाकी क्वेश्चन की बातें अगले वीडियो सेशन में करेंगे। टिल देन आप ये देखते रहिए क्वेश्चन मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट की, यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो के एंड में आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो आप 7-8 वीडियो तो उसमें डले हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन बाहरी कॉनिक सेक्शन के वीडियोस हैं वहां पे डले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये है आपने व्यूज हैं, कमेंट है वो अपने अपने मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए जो भी व्यूज अपने पास आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक माइलस्टोन सेट करें, और ये चाहता हूँ कि मैं दिसंबर एंड से पहले अपने मेरे 600 मैंने सब्सक्राइबर का कर रखा है मैंने मोटो, अभी 400 के आसपास हो चुके हैं और ज्यादा नहीं है, आप कोशिश करोगे तो जल्दी मेरे 600 कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा माइलस्टोन है कि भाई मैं इस पे पहुंच जाऊं 600 सब्सक्राइबर मैं दिसंबर एंड तक ले लूं, तो ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े डेज है, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे भी हैं, तो उस हिसाब से 400 के आसपास आ गए, 200 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो एक वो अचीव करने का है। तो प्लीज गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब महिंदू साधा, और हमारे इंस्टा हैंडल फेसबुक हैंडल सारे आपको नीचे लिंक आपको दिख रहे होंगे, नाम भी उनके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे इंस्टा हैंडल फेसबुक वगैरह सब दिए हुए हैं, पीछे की वीडियोस के लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब वो भी आप देख सकते हो, कोई भी और डाउट हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो गाइस लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं उनको तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।